हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम निर्मल यादव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्ट्रांग मेंटालिटी कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 6 तरीके जिसे एक स्ट्रांग मेंटालिटी का व्यक्ति यूज करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेंटालिटी स्ट्रांग हो तो ये टिप्स, ये टेक्निक यूज करो, आपकी मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। 6 थिंग्स स्ट्रांग मेंटालिटी पीपल डू। पहला है, दे मूव ऑन एंड वॉन्ट वेस्ट देयर टाइम। कोई भी स्ट्रांग मेंटालिटी का व्यक्ति होता है वो किसी भी सिचुएशन में जाके स्टक नहीं होता है। अगर कुछ फेलियर आता है तो वो स्टक नहीं होके बैठता है और ये सोच सोच के अपना टाइम नहीं बिता देता है कि अरे यार मुझे फेलियर मिला, मैं कैसे आगे का अचीवमेंट करूं, मैं कैसे कुछ एक्स्ट्रा हासिल करूं। ये सोच के वो एक जगह पे स्टक नहीं होता है और अपना टाइम, जो कि वैल्यूएबल टाइम है, वो वेस्ट नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेंटालिटी स्ट्रांग हो तो किसी भी सिचुएशन में अगर फंस जाते हो तो वहां पर स्टक नहीं होना है। डोंट स्टक, मूव अहेड, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू है कि लोग किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और वहां से वो आगे नहीं निकल के जाते हैं। बस उसी चीज को बड़ा इतना बना देते हैं कि अब उससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो आज से डोंट स्टक एनी मोर एंड डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग कि मैं तो फंस गया, मेरा तो लॉस हो गया। एंड सेकेंड वन इज, स्ट्रांग मेंटालिटी पीपल लव चैलेंजेस। वन मोर टाइम, सेकेंड इज, स्ट्रांग मेंटालिटी पीपल लव चैलेंजेस। जो स्ट्रांग मेंटालिटी का व्यक्ति होता है वो चैलेंजेस से नहीं घबराता है। लाइफ में कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए वो घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है कि अरे यार, रोते नहीं बैठता है कि अरे यार मेरे को तो ये चैलेंजेस आया, इससे कैसे बाहर निकलूं, ओवरकम कैसे किया जाए। इसके जगह पे वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है और चाहता है कि मेरे पास चैलेंजेस आए ताकि मैं इसको पार करूं। दे लव चैलेंजेस। तो अगर आप चाहते हो कि स्ट्रांग मेंटालिटी बने तो आपके लिए दूसरा टिप्स है, लव द चैलेंजेस। क्योंकि जितने चैलेंजेस फेस करते जाओगे उतना ग्रोथ का रास्ता ओपन होता जाएगा, क्योंकि तरक्की का रास्ता ही चैलेंजेस से होके गुजरता है। बिना किसी चैलेंजेस के लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल नहीं होता। तो अगर आपको भी स्ट्रांग मेंटालिटी बनानी है तो चैलेंजेस लेके आओ और उससे प्यार करो, लव द चैलेंजेस, लाइफ विल गिव यू मोर। और तीसरा टिप्स है, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम एंड एनर्जी विच थिंग्स दैट इज नॉट कंट्रोल इन हिम। कभी भी अपना टाइम और एनर्जी को उस चीज पे वेस्ट नहीं करते जो चीज उनके कंट्रोल में नहीं है। स्ट्रांग मेंटालिटी का व्यक्ति ये सोचता है कि जो चीज मेरे कंट्रोल में है मैं उसके लिए काम करूंगा, बट वो ये सोचने में कतई भी टाइम नहीं लगाता जो चीज उसके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका स्ट्रांग मेंटालिटी बने तो आप भी आज से ये एटीट्यूड डेवलप करो कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए परेशान मत हो, और जो चीज आपके कंट्रोल में है उसको या तो बदल दो या फिर उसको एक्सेप्ट करो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो लाइफ बेहतर होगी। अगर आप चाहते हो एक स्ट्रांग मेंटालिटी के व्यक्ति के जैसा व्यवहार करना, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी दैट थिंग्स विच इज नॉट कंट्रोल अंडर यू। आपके कंट्रोल में जो चीज नहीं है उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। अब कई बार होता है कि आपके कंट्रोल में कुछ चीजें नहीं है तो अब आप उसको कोसते बैठोगे तो क्या वो चीज आपके लिए बदल जाएगा? जैसे एनवायरनमेंट है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो ये चीज अब आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आप दुनिया को दोष देते रहो तो इससे क्या हो जाएगा? बस केवल आप अपना
ब्लड को कम करते जाओगे, अपना खून जलाते जाओगे कि अरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार है। अब सबको पता है कि दुनिया में भ्रष्टाचार है, बट क्या आप अकेले परेशान होते रहोगे तो क्या सॉर्ट आउट हो जाएगा? नहीं। तो जो काम कर सकते हो उस पे फोकस करो, और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पे फोकस मत करो। अगर स्ट्रांग मेंटालिटी चाहिए तो जो काम आपके कंट्रोल में है बस उसी पे फोकस करो। और इसका चौथा टिप्स जो स्ट्रांग मेंटालिटी का व्यक्ति करता है, दे आर नॉट अफ्रेड टू रेज देयर वॉइस। वो कभी भी अपनी आवाज उठाने में नहीं घबराता। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में बोलने से वो घबराता नहीं, वो तुरंत अपनी बात कह देता है। इससे लाइफ में क्लैरिटी मिलती जाती है। तो आपको भी अगर स्ट्रांग मेंटालिटी रखना है तो जो भी गलत हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आप सही हो, तो उसको दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने से मत घबराओ। क्योंकि जब तक आप अपनी बात रखोगे नहीं, तो चाहे कितना भी सही हो, वो दुनिया के सामने नहीं आएगा। और वो दुनिया के सामने जब तक नहीं आएगा, तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो आपको भी ये करना है कि जहां पर आप सही हो, सो रेज योर वॉइस एंड डोंट अफ्रेड टू से। और इसका पांचवा टिप्स जो स्ट्रांग मेंटालिटी के लोग यूज करते हैं, दे आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। वे कैलकुलेटेड रिस्क लेने से कभी भी नहीं घबराते। हाँ, अगर आप भी चाहते हो तो रिस्क ले सकते हो, बट अगर आपको दिख रहा है कि सामने में खाई है तो वहां पे जानबूझ के नहीं जाना है। हाँ, लेकिन रिस्क लेना गलत नहीं है, बट रिस्क कैलकुलेटेड हो तो वो रिस्क लेने में कोई नुकसान नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी मेंटालिटी स्ट्रांग हो, तो आपको लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। तो ऐसा करके आप भी अपने लाइफ में एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने का हैबिट डालिए। इससे लाइफ को एक स्ट्रांग मेंटालिटी मिलती है। और इसका छठवा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दे सेलिब्रेट अदर पीपल सक्सेस। हमने बहुत लोगों को देखा है कि अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो उसको देख के ये परेशान होते रहता है कि वो कैसे सफल हो रहा है, कैसे सामने वाला व्यक्ति सफल हो रहा है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। बट जो स्ट्रांग मेंटालिटी के लोग हैं, वो दूसरों के सफलता को भी सेलिब्रेट करने से पीछे नहीं हटते। तो अगर आप चाहते हो कि एक स्ट्रांग मेंटालिटी का व्यक्तित्व बने आपका, तो दूसरों के सक्सेस को भी सेलिब्रेट करना शुरू करो। क्योंकि अपना सक्सेस तो हर कोई सेलिब्रेट कर लेता है, बट मजा तो तब आता है, आपका व्यक्तित्व तो तब निखर के आता है जब आप दूसरों के सफलता का सेलिब्रेशन करो, दूसरों के खुशी में खुश हो, तब जाके आप रियल वैल्यूएबल पीपल कहलाते हो। तो अगर आप चाहते हो कि स्ट्रांग मेंटालिटी के व्यक्ति के जैसा बिहेव करूं, तो ये 6 टिप्स स्टेप बाय स्टेप करके 6 टिप्स मैंने बताया, इसको जरूर फॉलो करो। और इस टिप्स को फॉलो करने के बाद अगर आपको कुछ भी बेनिफिट मिलता है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा टिप्स है जो आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।